हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके पास में। अनबॉक्सिंग आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ मी 11 अल्ट्रा की। इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को खोलेंगे। उसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क यहाँ पे मिल जाता है। उसके अंदर आपको मतलब अलग से कुछ चीज़ें पेपर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक 3.5 mm जैक नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको एक्सटेंडेड केबल आपको इसके अंदर मिल जाती है, अलग से आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप एक TPU केस मिल जाता है। ये ठीक केस है, मतलब हार्ड है केस, ठीक है आपको। इसका बम्पर कैमरा बम्प के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें दिया हुआ है सब। अब हमारा फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है। वाइट कलर हमने ये लिया है, वाइट कलर ये हमारा है, इंडियन रिटेल यूनिट है ये। तो और चार्जर भी आप देख सकते हो, काफ़ी फास्ट चार्जर आपको मिलने वाला है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर मतलब। और आपको केबल भी यहाँ पे देख सकते हो, टाइप सी केबल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब चार्जर के अंदर भी पीस के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 67 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर आप सपोर्ट करती है। फ्लैगशिप क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 मिलता है। फुल HD डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के साथ में। 15 MP का नेक्स्ट जनरेशन कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है। मतलब मैं सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो, मतलब इसका कैमरा बम्प देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा कैमरा बम्प है, मतलब बहुत ज़्यादा है ये। और यहाँ पे पीछे एक डिस्प्ले भी आपको दी हुई है, छोटी सी डिस्प्ले, ये भी आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। और इसमें आपको फ्लैश लाइट वगैरह भी बड़ी मिलती है। कैमराज काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको मिलने वाले, मतलब बहुत अच्छी अच्छी मतलब फीचर्स भी आपको अल्ट्रा लेवल के टॉप ऑफ द लाइन आपको फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। कैमरा मतलब बम्प बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप इसको हाथ में लोगे ना तो आपको फील होगा कि ऊपर की तरफ ज़्यादा वेट इसका है, नीचे की तरफ इतना अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ऊपर की तरफ आप फील करोगे कि ऊपर की तरफ इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब ये इसके कैमराज बड़े हैं, इसके अंदर आपको एक डिस्प्ले भी दी जाती है, तो उसकी वजह से आपको लगता है 120x तक कि आप इसके अंदर आप जूम भी कर सकते हो। वो कैमरा फीचर्स में मैं आपको बताऊंगा जो भी सारी चीज़ें। आपको 15 MP का पहला कैमरा मिलता है और 40-48 के दो कैमरे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। टेलीफोटो भी आपको इसके अंदर मिलता है जो 48 MP का है, मतलब काफ़ी बड़े हैं। 5G ये फ़ोन मिलने वाला है। Xiaomi की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और ऊपर की साइड में भी आपको मतलब अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स भी इसमें आपको हारमन कार्ड के स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं। माइक्रोफोन मिल जाता है, IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है, तो मतलब काफ़ी अच्छे से काम करता है। Xiaomi के फ़ोन्स में आता ही आपको पता है, ब्लास्टर सेकेंडरी माइक्रोफोन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है और वॉल्यूम लॉकर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मतलब वॉइस वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा आपको अलग मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल की तरफ, यहाँ पे आपको साइडों में मेटल मिल जाती है, जो एल्यूमिनियम फ्रेम मतलब अच्छे से आपको फील, प्रीमियम फील यहाँ पे ये देती है। मतलब प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम फील आपको आती है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है, कि स्पीकर मिल जाता है, माइक्रोफोन, SD कार्ड मिल जाता है, MIUI 12 आपको मिल जाता है। हम इसको बूट करते हैं तो MIUI 12 आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसका अपग्रेड भी काफ़ी जल्दी आने वाला है MIUI 13 के ऊपर। थोड़ा बहुत हम इसको जल्दी जल्दी से सेटअप कर लेते हैं आप लोगों के लिए। हमने इसको सेटअप कर लिया है और आपको MIUI 13 बहुत ही जल्दी इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है अभी एक उनका लॉन्च इवेंट हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बताया था चीज़ें कि वो कब लॉन्च हो रहा है, क्या क्या उसमें थोड़ी बहुत खास चीज़ें हैं। ज़्यादा तो नहीं बताई लेकिन हाँ, फिर भी बताई है उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। आप देख सकते हो नॉर्मली ये अब धीरे धीरे UI है ना, गूगल के ऐप्स वगैरह पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐप्स इसके खुद के होते हैं। आप देख सकते हो ये डायल नंबर है, उनके अंदर अलग अलग है। सेटिंग्स भी इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, एडिशनल सेटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। आप इसको 120 हर्ट्ज पे भी कर सकते हो और 60 हर्ट्ज पे भी आप इसकी डिस्प्ले को कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप करना चाहो। डिस्प्ले के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। मतलब फुल HD+ भी आप कर सकते हो या फिर क्वाड HD+ भी आप इसको कर सकते हो। मतलब ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। कैमरा से रिलेटेड और डिस्प्ले से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। IP6 की भी है ना आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब आप अगर पानी वगैरह में लेके जाओगे तो भी ये मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, पानी के अंदर आपको अच्छे से ये वर्क करेगा। और आप बेजल्स देख सकते हो, बिल्कुल भी बेजल्स इतने नहीं है, बहुत कम बेजल्स हैं। और आपको साइडों में भी थोड़ी कर्व डिस्प्ले भी हल्की सी मिलती है और आप पीछे की तरफ भी आपको एक डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर आप टाइम देख सकते हो, मैसेज वगैरह देख सकते हो, और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे खींच सकते हो। इसके अंदर आपको इसको कस्टमाइज़ करने के भी ऑप्शन मिलते हैं, मतलब टाइम को कस्टमाइज़ करने के भी
यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे रेयर डिस्प्ले के नाम से आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसे यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो। अभी यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है, इसको आप चेंज करके अलग थीम कलर ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं भी वो भी आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा, देख सकते हो आपको कई सारे यहाँ पे थीम मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इसके अंदर मिलता था ना Xiaomi के MIUI 12 के अंदर, वो सेम चीज़ें आपको वहाँ पे वो मिलने वाली है। नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिल जाए, ऐसा भी यहाँ पे फीचर्स है, भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो नोटिफिकेशन का। और भी टाइम के लिए भी अलग अलग सेट है कि आपको वर्टिकल देखना है कि हॉरिजेंटल देखना है, वो भी सारा यहाँ पे दिखाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कलर वगैरह चेंज किया तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। बैटरी परसेंटेज भी आपको यहाँ पे दिख जाती है, मतलब इसके अंदर अच्छी अच्छी डिस्प्लेस, ठीक है एमुलेट डिस्प्ले ही आपको मिलने वाली है, मतलब अच्छी डिस्प्ले ही होने वाली है आपको, टॉप ऑफ द लाइन ये डिस्प्ले मिलने वाली है, एमुलेट आपको मिलती है। लेकिन इसमें आपको इतनी ज़्यादा खास चीज़ टच वगैरह नहीं मिलता है, नॉर्मल बस आप इसमें देख सकते हो। आपको कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, आपको 120x तक की आप इसके अंदर जूम कर सकते हो, जो आप बहुत ही ज़्यादा दूर तक आप कर सकते हो। और साइड में ही आपको एक प्रीव्यू भी दिखाता है कि अगर नॉर्मली आप फोटो लोगे तो वो आपकी कैसी आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी फोटोज यहाँ पे आने वाली है, 15 मेगापिक्सल का और 48 मेगापिक्सल के तीन कैमरे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जो इसमें एक 48 तो टेलीफोटो मिलने वाला है, एक आपको मेन मिलने वाला है, एक आपको अल्ट्रा वाइड यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हो काफ़ी सही फोटोज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, मतलब सेंसर्स भी इसके काफ़ी बड़े हैं। सेंसर्स आपको पता है, सेंसर्स जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतना ज़्यादा वो फ़ायदा होता है, सिर्फ नंबर्स में बड़े नहीं होना, साइज़ में भी बड़े होना काफ़ी फ़र्क यहाँ पे देता है। इसके अंदर कैमरे में UI भी आपको काफ़ी अलग मिल जाती है, मतलब अलग इसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग, उसके अंदर देख सकते हो कि आपको मतलब नॉर्मल जूम पे कितना है, फिर ज़्यादा जूम करोगे तो कितना है, फिर ज़्यादा जूम करोगे तो कितना है। आप यहाँ पे पूरा एक देख सकते हो आपको कितना क्या क्या मिलता है। फ्रंट सेल्फी भी आपको एक साथ में यहाँ पे दिख जाती है, वो भी काफ़ी सही फीचर मेरे को लगा। इसके अंदर आपको एक व्लॉग मोड भी मिल जाता है, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो तो थोड़ा बहुत व्लॉग टाइप से आप कर सकते हो रिकॉर्ड, तो वो भी चीज़ आपको मिल जाते हैं कि आपका पीछे वाला कैमरा काम करेगा अच्छे से, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेल्फी इसकी इतनी अच्छी नहीं है मैं ये कहूँगा, और 4K 8K तक की आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो 8K तक की रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हो 24 FPS के साथ है। अगर आप कम करते हो तो आप FPS बढ़ा सकते हो, तो मैं वही कह रहा था सेल्फी इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रो नहीं है, क्योंकि इसका रेयर कैमरा आपको है ना सेल्फी की तरह भी काम देगा, क्योंकि पीछे एक डिस्प्ले है उसके हिसाब से वो वैसा ही काम आपको करके देगा मतलब। और थीम भी आपको कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ थीम पेड होते हैं, कुछ नॉर्मली फ्री होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेड हैं तो आपको मतलब थीम मिल जाते हैं, बस मैं इतना कहूँगा। और भी आपको कई सारी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें मिल जाती हैं बेजल लेस, मतलब यहाँ पे आपको जो गोस्ट टच है ना वो आपका ना हो, इग्नोर करें आप, मतलब वो आप इसे सेटिंग वगैरह में कर सकते हो, क्योंकि इसकी कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ा सा ऐसे टच हो जाते हैं गलती से, तो उसको ऑफ करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे है। आप ब्यूटी वगैरह भी कर सकते हो वीडियो कॉलिंग के अंदर, मतलब आपके UI में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब किया गया है अपडेट। यहाँ पे आपको गेम बूस्ट भी मिल जाता है, और भी आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मली आप कैसे यूज़ करें विंडो को वो भी आपको यहाँ पे, डुअल स्पेस भी मतलब सेकंड स्पेस भी आपको बनाना मिल जाता है, आप कैसे सेकंड स्पेस बना सकते हो वो भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, और आपको ये भी अच्छे से मिलेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाता है। अब मैं अब बात कर लेता हूँ आपको गिवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। आप कुछ लोग होंगे वो सिर्फ गिवे के लिए आए होंगे, तो वो गिवे में पार्टिसिपेट आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो मेरी ही वीडियो है, मैंने गिवे पहले कर दिया था, अनबॉक्सिंग मैं अब कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पता होगा तो वो जाके ना उस वीडियो को जाके देख लो, वहाँ पे आपको वो गिवे का लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ पे वो वीडियो देख लो और उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर लो, ढंग से पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि उसमें कई सारे स्टेप होते हैं, आपको पिन नंबर वगैरह लिखने होते हैं, तो वहाँ पे जाइए उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। और अगर आपको जानना है इनके रिजल्ट कब तक आएंगे तो उसी वीडियो के नीचे एक लिंक आपको एक और वीडियो का मिल जाएगा, वो मैंने अभी वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, तो वो वाली वीडियो भी आप देख लेना। तो ये फोन काफी ज्यादा सही है और आप पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और उनसे भी बोलना कि गिवअवे में पार्टिसिपेट कर ले। तो थैंक यू वेरी मच।